Hi. So we are doing chapter SPR, CPSR, that is change in profit sharing ratio. आज हम ये chapter complete करने वाले हैं. We are on the seventh lecture of the chapter. Chapter number 4. We are already done with goodwill. I know बार बार मैं repeat करता हूँ. A good teacher teaches. अच्छा teacher सिखाता है. But a coach sets the things in your mind. So I am your coach. आपके माइंड में मुझे चीजें बिठानी है. दैट इज वाई बार बार आपको रिपीट करते हैं. हम कर चुके हैं द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. देन वी हैव डन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, दैट इज जनरल रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. देन वी हैव डन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. Then we have done revaluation account. After that we have done journal entries, partners capital account with balance sheet. Last question, question number 13th. इसके अंदर जो main point है वो है third. Partners decide to have capitals in profit sharing ratio. Partners ने ये सोचा है कि उनकी capitals profit sharing ratio में होगी. इसे कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट. कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक इस चैप्टर में चांसेस कम है आने के, रादर नहीं आएगा. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एडमिशन. चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन मोर देन इनफ है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, ताकि एडमिशन में आपको वो टॉपिक ईजी लगे. चलिए सबसे पहले एस टी यू वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4-3-2-1. ऑन 1st April 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज. वी हैव द लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3-1-2-4. रेशियो चेंज हो गई. फॉर दिस पर्पज गुडविल वॉज वैल्यूड एट 90,000. गुडविल वैल्यू हो रही है, ये न्यू गुडविल है. और न्यू गुडविल को हम करते हैं एडजस्ट, गेनर टू सेक्रीफाइजर. द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 70. बैलेंस शीट में चेक कीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60. वर्कमैन कंपनसेशन 60 है और नीचे क्लेम है 70. 10,000 से क्लेम बढ़ गया. फिक्स्ड एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 10%. ओवर वैल्यूड, सेकेंड पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओवर वैल्यूड मतलब ये बढ़ चुका है, पहले से ही ज्यादा है. अब कम करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम की जाएगी. 10% ऑफ 4,40,000 इज 44,000. माइंड इट, 10% ऑफ 4,40,000 इज 44,000. बाद में आएंगे इस पॉइंट पे भी. पार्टनर्स डिसाइड टू हैव कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एसेट्स लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज करनी है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म. सबसे पहले द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. चेक कीजिए क्या बैलेंस शीट में गुडविल है. Whether we have goodwill in the balance sheet. If we have goodwill in the balance sheet, that means it is existing goodwill, it is purchased goodwill. उसे write off किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, नहीं है. Next, do we have goodwill in the adjustment? Yes, valued. Please underline valued. इसकी entry डालते हैं gainer to sacrificer. वर्किंग नोट नंबर 1. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. एस रेशो टी रेशो यू रेशो वी इज 4-3-2-1 ओल्ड रेशो. And then we have is S T U V 3-1-2-4 new ratio.
द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू ओल्ड शेयर. यू कैन नॉट डिडक्ट द रेशियो, यू कैन नॉट 4:3:2:1-3:1:4. तो रेशियो नहीं होती, शेयर होता है, न्यू शेयर, बिकॉज रेशियो में से रेशियो माइनस नहीं हो सकती, प्रोपोर्शन से हो सकता है. एस 4/10-3/10 इज 1/10 सेक्रीफाइस. टी 3/10-1/10 इज 2/10 सेक्रीफाइस. यू 2/10-2/10 इज निल. वी 1/10-4/10 इज -3/10 गेन. जैसे ही पार्टनर्स ने अपनी रेशियो चेंज की, एक पार्टनर यू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, एस और टी ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो वी है वो फायदे में है, गेन कर रहा है. सो द एंट्री इज गेनर टू सेक्रीफाइजर. वी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इज कैपिटल अकाउंट, टू टी इज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड. कितना गुडविल है? 90,000. सो 90,000 × 3/10, 90,000 × 1/10, 90,000 × 2/10. This is 27,918. Lecture first topic, treatment of goodwill done. Then we have done undistributed profits, undistributed losses. Check kijiye balance sheet mein, we have general reserve? No, we don't have. In balance sheet, do we have P&L account? No, we don't. Do the partners have advertisement suspense? No. Third, specific reserves. We have done two specific reserves. IFR, Investment Fluctuation Reserve, and WCR, Workmen Compensation Reserve. We have both in this question. So the first is Investment Fluctuation Reserve. Working note 2, treatment of specific reserves. वॉकमैन पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट है. क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 50,000. 2 lakh minus 1 lakh 50,000 इज 50,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व विच इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फ्लक्चुएशंस इन द एसेट्स, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 50,000, 80,000 में से ले लेंगे, बाकी बचा 30,000 पार्टनर्स को मिल जाएगा. टू एस कैपिटल, टू टी कैपिटल, टू यू कैपिटल, टू वी कैपिटल. 30,000 इन ओल्ड रेशो 4:3:2:1. ये इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज है, जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ था.
आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू गिवन है 150, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 150 की हो रही है, स्पेसिफिकली इट इज मेंशन्ड. सो 30,000 इन 4321 इज 12,963. Then we have his workman compensation reserve. Workman compensation reserve. अच्छा, अगर investment की value ज़्यादा कम होती IFR से भी ज़्यादा, तो हम revaluation account से consider करते. अगर investment की value 1 lakh से कम होती तो 20,000 revaluation से लेते. समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो workman compensation में कर ही रहे हैं. Workman compensation reserve है 60, नीचे claim है 70. वर्कमैन का इसकी जनरल एंट्री रहेगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60 टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स 70. दस हजार की शॉर्टेज है. अच्छा, अगर ये पैसे बच जाते तो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट पैसे बचे नहीं है तो विल टेक इट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस 10,000. क्लियर एवरीवन? इसके बाद हमने ट्रीटमेंट की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की. लेट्स मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये तो क्वेश्चन में पूछा ही है, तो इट इज नॉट अ वर्किंग नोट, दे हैव आस्क्ड दैट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज 70. वर्कमैन कंपेंसेशन 70, लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ गई. ये देखिए, लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ी है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड. वैसे 70 की लाइबिलिटी है, 70 की लाइबिलिटी है, 60 की हमने पहले से प्रूडेंस प्रिंसिपल के लिए रिकॉर्ड की हुई थी. 60,000 का रिजर्व पहले से पड़ा था, तो 10,000 का और रिकॉर्ड चाहिए हमें टू लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स 10,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 50,000 से. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 50,000 से, बट रिजर्व पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आएगा ही नहीं. देखिए, इसमें जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट है, इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं है. मैंने जर्नल एंट्री इसीलिए डलवाई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. वी डू नॉट हैव रिवैल्यूएशन इन दिस, सो वी नॉट पुट इट देयर. वी हैव रिवैल्यूएशन हियर, वी विल पुट इट हियर. जनरल एंट्रीज पूछी नहीं है क्वेश्चन में, कंसेप्ट बिल्डअप के लिए ही कर रही है. पेपर में नहीं भी डालेंगे चलेगा, पेपर में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है. फिक्स्ड एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 10%. फिक्स्ड एसेट 10% से ज्यादा हैं तो 10% कम कर देंगे. फिक्स्ड एसेट्स ओवर वैल्यूड ज्यादा हैं तो कम कर देंगे टू फिक्स्ड एसेट्स. एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो करेंगे माइनस 44,000. एसेट की वैल्यू कम, लॉस. क्लियर? ये गलत है. 95% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ये गलत है. 44,000 नहीं आएगा. मैंने इसीलिए पहले 44 लिखे ताकि बच्चों के माइंड में बैठ जाए ये दिस इज रॉन्ग. ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का मतलब है पहले से वो ज़्यादा हुआ हुआ है, पहले से उसे कम किया हुआ है. इस क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड है, मतलब 4,40,000 में 10% पहले से एडेड है, 10% ऐड हो चुका है उसमें. तो एक्चुअल में कितनी वैल्यू होगी? एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एक्स.
फिक्स्ड वैल्यू की, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू x है. सो x ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड? ओवर वैल्यूड है तो प्लस, अंडर वैल्यूड है तो माइनस. प्लस 10% ऑफ x इज 440,000. सो x प्लस 10% ऑफ x, व्हाट इज x? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. व्हाट इज 10% ऑफ x? जो वैल्यू उसकी एड हो चुकी है, 100x प्लस 10x बाय 100 इज 440,000. 110 बाय 100x इज 440,000. x इज इक्वल टू 440,000 इनटू 100 बाय 110 इज 400,000. ऐसे करते हैं हम, 100 बाय 110 अगर होता ओवर वैल्यूड बाय 20%, 100 बाय 120 ओवर वैल्यूड बाय 15%, 100 बाय 115 ओवर वैल्यूड बाय 20%, 100 बाय 20 अंडर वैल्यूड बाय 10%, 100 बाय 90 अंडर वैल्यूड बाय 5%, 100 बाय 95 अंडर वैल्यूड बाय 20%, 100 बाय 80. सो 100 बाय 100 प्लस आर या 100 बाय 100 माइनस आर, जब भी ओवर वैल्यूड होगा तो हमने कम करना है, अंडर वैल्यूड होगा तो बढ़ाना है. ओवर वैल्यूड मतलब पहले से बड़ा हुआ है अब कम कर दो, अंडर वैल्यूड मतलब पहले से कम है अब बढ़ा दो. पर सिंपल परसेंटेज नहीं लगेगी, सीधा 10%, सीधा 20%, सीधा 5% नहीं. 100 बाय 90, 80, 100 बाय 110, 120, लाइक दिस. डन. इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये x तो मैंने समझा दिया आपको, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. दिस इज ऑल्सो the way to explain that. Actual value, book value. Actual value, अब आगे जाके समझ में मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, I'll do 100 by 110, 100 by 120 सिंपल. Actual value 100 है, book value 110 है. Actual value 100 है, book value 10% ज़्यादा है, 110 है. तो actual value क्या हुई? X, book value कितनी है? 440. क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 440,000 इज इक्वल टू 110 इंटू x, 100 इंटू 440,000 बाय 110 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 400,000. 440,000 के फिक्स्ड एसेट्स को 400,000 पे लेके आना है तो 40,000 से एसेट्स कम हो गए. जब मैंने चैप्टर, जब क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने 44,000 बोला था, गलत था वो, मैंने कहा था आपको नोटेड ये चीज के लिए. सो 440 के एसेट्स 400,000 में आ गए, 40,000 से कम हो गए, इट्स अ लॉस डेबिट साइड. दैट्स इट. द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, द बैलेंस इज रीवैल्यूएशन लॉस बाय रीवैल्यूएशन लॉस 50,000. OPOR, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो. STUV, ₹50,000 को हम डालेंगे पुरानी रेशो में जो है 4321 इज 10, 20, 15, 10, 5. करंट अकाउंट होता तो एक्स, एस करंट अकाउंट, टी करंट अकाउंट, यू करंट अकाउंट, वी करंट अकाउंट, बट कैपिटल्स फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो हम कैपिटल में रहेंगे.
क्वेश्चन में पूछा है रिवॉल्यूशन अकाउंट, वी आर डन. नाउ वी विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस टी यू वी, सेम ऑन द क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल्स, ओपनिंग कैपिटल्स आर 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000. गुडविल की ट्रीटमेंट, वी टू एस टू टी, वी टू एस टू टी, इसको दो में कर दें, वी टू एस वी टू टी, पहले वी टू एस फिर वी टू टी. तो पहले वी टू एस, वी डेबिट है, एस ने डेबिट किया, वी डेबिट है, एस ने डेबिट किया, टू एस कैपिटल, और वी डेबिट है 9,000 से. V टू S हो गया, अब V टू T, V डेबिट है, V को डेबिट किया T ने, टू टी, टू टी नहीं, टू टी इज कैपिटल, 18,000. आप देख सकते हैं V डेबिट हो रहा है और V को डेबिट किया S और T ने, बाय S कैपिटल बाय टीज कैपिटल. एस और वी टी क्रेडिट हो रहे हैं, एस क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, एस में क्रेडिट साइड, टी क्रेडिट हो रहा है टी के क्रेडिट में 18,000. सो एस में क्रेडिट साइड 9,000, टी में क्रेडिट साइड 18,000, और किसने क्रेडिट किया, वी ने, बाय वी कैपिटल. दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों तरफ रिकॉर्ड हुई है. गुडविल की ट्रीटमेंट डन, जनरल रिजर्व पी एंड एल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है नहीं तो उसकी ट्रीटमेंट होगी नहीं. इन्वेस्ट एस टी यू वी, यही तो अकाउंट बना रहे हैं, एस टी यू वी क्रेडिट है, एस टी यू वी क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एस टी यू वी क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है 12,963, किसने क्रेडिट किया, आई एफ आर ने, 12,963. वॉकमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसमें तो है ही नहीं, पार्टनर्स का नाम ही नहीं है, पार्टनर्स का नाम जर्नल में नहीं है तो लेजर में क्यों पोस्ट होगा. रीवैल्यूएशन का लॉस, डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स क्रेडिट साइड है, रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर्स में रीवैल्यूएशन डेबिट साइड आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, 20,15,10,5. We make partners capital account. ऐसे हम partners capital account बनाते हैं. Now we'll close it. To balance carry down. Now we need to close the account. Balancing figure. You know how to find the balance? This plus this plus this. 2,21,000 minus 20,
201,000. You know how to find the balance? I hope you know. This plus this plus this, 150 plus 27, 177,000. Minus 15. One lakh plus six thousand. Minus 10, 96,000. और उसी तरीके से लास्ट पार्टनर का क्लोज करेंगे बैलेंस 50 plus 3, 53,000 माइनस 9,000 माइनस 18,000 माइनस 5,000 इज 21,000. सो कैपिटल्स हैं पार्टनर के 2,01,000, 1,62,000, 96,000 एंड 21,000. अभी तक इस क्वेश्चन में नया तो कुछ था नहीं, कल हमने यही तो किया था, वही दोबारा कर रहे हैं. नहीं, नया अब है. पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी, तो ऑब्वियसली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही होगी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि फर्म नई बन रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन न्यू है. कैपिटल एडजस्टमेंट को अब इसके नीचे कैलकुलेट करेंगे. कई टीचर्स कैपिटल एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में ही कर देते हैं, मतलब कैरी डाउन से पहले. मैं इस चैप्टर में नहीं, बाकी सभी चैप्टर्स में कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में करूंगा. दैट मींस कैरी डाउन के बाद ब्रॉट डाउन, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट. लाइक दिस, कैरी डाउन विल बी ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,01,000, 1,62,000, 96,000, 21,000. क्या डिसाइड किया इन्होंने? इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी जो कैपिटल है वो न्यू रेशो में होगी. यही डिसाइड किया, तो ठीक है, कर देते हैं एडजस्ट. वर्किंग नोट नंबर 3, राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल्स. कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल्स. न्यू रेशियो इज 3,124. वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल. टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की? फर्म की कैपिटल क्या होती है? प्रोप्राइटर्स की कैपिटल को प्लस करके, चार प्रोप्राइटर है, STUV, चारों की कैपिटल को प्लस कर दो. सो टोटल कैपिटल इज S कैपिटल प्लस T कैपिटल प्लस U कैपिटल प्लस V कैपिटल. 2,01,000, 1,62,000, 96,000, 21,000. So the total capital of the firm is 2,01,000, 1,62,000, 96,000 and 21,000. 4,80,000. जो कैपिटल पहले थी 5,00,000, अब हो गई है 4,80,000, 4,80,000. 480 बनेगी 5,00,000 माइनस 50, 450 प्लस 30, 480, राइट. अच्छा, 480 समझ आ गया. थोड़ा मैं इनडेप्थ जा रहा हूँ. देखो, पहली कैपिटल है 5,00,000, सिर्फ समझने के लिए. अच्छा, ऐसा भी होता है. पहले कैपिटल कितनी थी? 5,00,000, राइट. हमें 50,000 का लॉस हो गया, फर्म को ही लॉस हुआ है ना 50,000 का, जो पार्टनर्स में डिवाइड किया गया है. तो 5,00,000 की कैपिटल में 50,000 का लॉस हो गया. आई रिपीट, 5,00,000 की कैपिटल में 50,000 का लॉस हो गया. तो कैपिटल कितनी बची? 4,50,000, 4,50,000, राइट.
फिर 30,000 का IFR का प्रॉफिट हो गया, 80,000 का IFR था, 50 यूज हो गया, 30 रह गया, सो 5 लाख इज द ओल्ड कैपिटल माइनस 50,000 रिवैल्यूएशन लॉस प्लस 30,000 IFR which was distributed to partner is equal to 480, और वही 480 कैपिटल आ रही है। चलिए बैक टू द टॉपिक, चारों की कैपिटल को प्लस कर दिया 480, नाउ 480,000 इन न्यू रेशो, उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशो में रखना है, दैट इज 3:1:2:4। तो इससे हमें पता लगेगा कि एस की कैपिटल कितनी है, टी की कैपिटल कितनी है। अगर मैं आपको नहीं भी नजर आ रहा, नो प्रॉब्लम, यहां पे मूवी नहीं चल रही है, आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, यहां पर, यहां पे नहीं। हाँ, तो कई बच्चों ने मेरे को मैसेज भी किया है, सर वीडियो के अंदर कई बार आप हाफ कट हो जाते हो, सो व्हाट, मत देखो मेरे को, सबको देखो। 480,000 इंटू 1/10 यू कैपिटल, 480,000 इंटू 2/10 एंड वी कैपिटल 480,000 इंटू 4/10। न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो, तो एस की कैपिटल होगी 1,44,000, 1,44,000। टी की कैपिटल होगी 48,000। यू की कैपिटल होगी 96,000 और वी की कैपिटल होगी 1,92,000। न्यू रेशो, न्यू कैपिटल। थर्ड पॉइंट पे स्टार मार्क कीजिए, कैपिटल एडजस्टमेंट। पार्टनर डिसाइड टू हैव कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑब्वियसली द न्यू वन, क्योंकि यहां पर बिजनेस पुराना खत्म हो चुका है, अब नया शुरू हो रहा है, तो न्यू कैपिटल्स। टू बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नोट, ये कैपिटल इनकी है, ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दिस इज व्हाट दे शुड इन्वेस्ट इन द बिजनेस। 144, 48, 96, 192। सो एस की कैपिटल 2,01,000 है, 144 होनी चाहिए। एस की कैपिटल 2,01,000 है, होनी चाहिए 1,44,000। तो एस अपने घर लेके जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ऊपर वाला छोड़ दो, ये डबल लाइन लगी हुई है, क्लोज हो गया, ऊपर छोड़ दो, 2,01,144, डिफरेंस 57, टू कैश, बैलेंसिंग फिगर। मतलब एस ने पैसे निकाले, एस ने ये पैसे विड्रॉ किए बिजनेस से। टी 162,48, टी की कैपिटल है 162, होनी चाहिए 48, आई रिपीट, टी की कैपिटल है 162, होनी चाहिए 48, तो 1,14,000 उस तरफ, वो पैसे घर लेके जाएगा, ड्रॉइंग्स। ऐसे घर लेके जाएगा वो। यू 96,96, उसकी कैपिटल बिल्कुल सेम है, ना तो वो पैसे घर लेके जाएगा, ना वो पैसे घर से लेके आएगा। अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो वो पैसे घर लेके जा रहा है, ड्रॉइंग्स फंडामेंटल चैप्टर में किया था, इधर बैलेंस आ रहा है तो वो पैसे घर से लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल। वी उसकी कैपिटल 21,000 है, 21,000 होते क्या है, कुछ भी नहीं, बिजनेस में 21,000 कर रहा है, नो, होने चाहिए 192। सो हिज कैपिटल इज, यस हिज कैपिटल इज 21, होनी चाहिए 192। किस तरफ बैलेंस आ रहा है, शॉर्टर साइड इज दैट साइड, बाय कैश
बैलेंसिंग फिगर, वन लैख 92,000 माइनस 21,000, 1,71,000। एस अपने घर 57,000 लेके जाएगा, टी अपने घर 1,14,000 लेके जाएगा, वी अपने घर से 1,71,000 लेके आएगा। दिस इज योर कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ये वाला कैश माइनस ये वाला कैश प्लस, दिस कैश विल बी डिडक्टेड, दिस कैश विल बी एडेड। रीजन, ये पैसे घर लेके गए, ये पैसे घर से लेके आए हैं, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। वी नो वी आर डूइंग डबल एंट्री सिस्टम, दो अकाउंट्स में चेंजेस आते हैं, एक ये चेंज एक ये चेंज। सो दिस इज ड्रॉइंग्स, कैश में से माइनस, दिस इज एडिशनल कैपिटल, कैश में प्लस, दैट्स इट। नाउ वी विल बी मेकिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर reconstitution, liabilities amount, assets amount, liability में capitals, S T U V, कौन सी कैपिटल आएगी? क्लोजिंग, क्लोजिंग ये वाली नहीं, इसको तो एडजस्ट कर लिया, ये 1,44,48,96, 1,92,000, टोटल 480। हमें पता ही था टोटल कैपिटल 480 बन रही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या वो यूज हो जाता है। इस क्वेश्चन में 50,000 यूज हो गया, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वॉकमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उसकी लायबिलिटी आएगी, लायबिलिटी फॉर वर्कर्स या वॉकमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। हाउ मच इज क्लेम अगेंस्ट दैट? 70, 60 पहले से था, 10 हमने और लाइबिलिटी क्रिएट की थी, 70। क्या कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट की है? चेक करो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर्स नहीं, एक वर्कर्स की लाइबिलिटी क्रिएट की, एक फिक्स्ड एसेट्स कम किए, दैट्स इट। लाइबिलिटी साइड इज कंप्लीट। 5,50,000 एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स 440 माइनस 40 कम हो गए थे, 440 माइनस 40 इज 4,00,000। इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे शो करते हैं, क्योंकि अब वो ही एक्चुअल वैल्यू है इसकी, 150 550। ये है आपका 8 marker क्वेश्चन, दिस इज योर 8 marker क्वेश्चन, 8 number का क्वेश्चन है। ये वर्किंग नोट शो करना जरूरी है, बाकी जो मैंने रब कर दिए वो जरूरी नहीं है। ये 8 number का क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, 2 marker, 4 marker,
two marker, and this four marker has one marker for working note, right? अच्छा, हमने कैश में प्लस माइनस तो किया ही नहीं, बैलेंस शीट तो ऐसे ही मैच कर गई. लेट सी, अगर कैश होता, जितना कैश होता वो जीरो, बिजनेस में जो पैसा आया वी लेके आया 171, माइनस कौन पैसा लेके गया एसएनटी 57,000 माइनस 114,000 इज जीरो. ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये वाला कैश माइनस, ये वाला कैश प्लस. इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही बैलेंस शीट मैच कर गई, क्योंकि बाय चांस वी उतने ही पैसे घर लेके जा रहे हैं जितने पैसे एसटी उतने ही पैसे घर लेके जा रहे हैं जितना वी घर से लेके आ रहा है. आप देख सकते हैं वी घर से लेके आ रहा है 171,000. वी ब्रिंग्स 171,000 फ्रॉम होम एंड दैट इज एक्चुअली एसएनटी टेक्स होम. दिस इज कैश. अगर ये नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव आ जाए तो उधर शो करेंगे. तो आप लिख सकते हो कैश एंड बैंक. हम कैश और बैंक को इकट्ठा शो करते हैं, जैसे प्लस वन में क्या था ना, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश बुक, डबल कॉलम, वो इकट्ठा ही शो करते हैं. सो अगर पॉजिटिव आए तो इधर, नेगेटिव आए तो इधर. इस क्वेश्चन में नील था तो हार्डली मैटर्स. एक नीचे नोट दे दीजिए, इफ कैश स्लैश बैंक बैलेंस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, देन इट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. सिमिलरली If cash and bank balance comes out to be negative, अगर cash और bank negative आ जाए, then it should be shown on the liability side of balance sheet. तो liability side क्यों show करेंगे, क्योंकि वो bank overdraft है. As it represents bank overdraft. So here we complete our chapter CPSR. हमारा chapter CPSR complete हो गया, और कल हम शुरू करेंगे the next chapter. We are starting is the most lengthy chapter of your volume 1, admission of a partner. जब कोई नया partner admit होता है तो किस तरीके से valuation calculation की जाती है, books close की जाती है. Topics यही रहेंगे जो हमने इस chapter में किए हैं, treatment of ratio, treatment of goodwill, undistributed profits, वॉकमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद बैलेंस शीट एंड कैपिटल एडजस्टमेंट. टॉपिक यही साथ रहने वाले हैं, 7 और 8 टॉपिक रहने वाले हैं. टिल देन हैव प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर सीपीएसआर. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.